केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पनवाड़िया स्थित राजा राम सेतु के नामकरण किया। वहीं जनपद रामपुर में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राजा राम सिंह ने जो कि रामपुर को बसाया था, इतिहास इनकी सच्चाई और हकीकत थी। ये स्वर्ण इतिहास का पन्ना कहीं ना कहीं वक्त की मार की वजह से छिपा दिया गया था, इसको सम्मान नहीं मिल पाया था। राजा राम सिंह ने न सिर्फ रामपुर बल्कि रुहेलखंड के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनको याद किया गया। ये कोशिशें सैकड़ों साल बाद हो रही हैं, ये एक छोटी सी कोशिश नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ी कोशिश है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर फतवा आने के मामले पर नकवी ने कहा कि वो नकारात्मकता की मानसिकता से भरे हुए हमारे देश से 2 लाख हज यात्री जाते थे। कुछ लोगों ने प्रचार कर दिया कि हज की वैक्सीन में भी तरह की चर्बी लगी हुई है। नकवी ने कहा कि ये वैक्सीन शुद्ध रूप से लोगों की सेहत और सलामती के लिए है। जो लोग भी दुष्प्रचार कर रहे हैं वो दुनिया की बेहतरी के दुश्मन है। वहीं आइए अब सुनते हैं केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे हैं। आज इसका नामकरण हुआ है राजा राम सिंह के नाम पे। राजा राम सिंह की जिन्होंने की रामपुर को बसाया और जो कि इतिहास के एक सच्चाई और एक हकीकत थी, जो कि ये रामपुर का ये स्वर्णिम इतिहास का पन्ना कहीं ना कहीं जो है वो वक्त की मार की वजह से जो है वो छिपा दिया गया था या उसको जो है वो सम्मान नहीं मिल पाया था। आज जो है वो रामपुर को जिन्होंने बसाया, न केवल रामपुर बल्कि रुहेलखंड के निर्माण में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है राजा राम सिंह जी, उनके नाम से इस सेतु का नामांकन किया गया है। हालांकि ये उनकी याद के लिए बहुत छोटी सी सूक्ष्म सी कोशिश है, लेकिन सैकड़ों साल के बाद अगर ये कोशिश हो रही हो तो वो छोटी नहीं बल्कि बड़ी है और सितारों के आगे जहां और भी है अभी और बहुत। नकवी जी, कोरोना की जो वैक्सीन आ रही है उसमें मौलाना ने फतवा दिया है वो निगेटिविटी की मानसिकता से भरे हुए हैं, नकारात्मकता की मानसिकता से भरे हुए हैं। आपको याद होगा कि जब हम 2 लाख मोदी जी के समय में 2 लाख हज यात्री जाते थे, कुछ लोगों ने प्रचार कर दिया जो हज यात्रियों को वैक्सीन लगती है वो वैक्सीन जो है उसमें भी इस तरह की चर्बियाँ लगी हुई हैं। ये वो मानसिकता है जब हमारे देश में आज़ादी के समय, आज़ादी से पहले जब युद्ध हो रहा था तो उस समय दुष्प्रचार किया गया कि साहब इस गोलियों में जो है वो सुअर की सब्जी है या गाय की चर्बी है, उससे करके बगावत करके माहौल पैदा करने को। ये शुद्ध रूप से लोगों की सेहत और सलामती के लिए है वैक्सीन, और जो लोग भी दुष्प्रचार कर रहे हैं वो लोगों की सेहत सलामती और दुनिया की बेहतरी के।